मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि श्राद्ध पक्ष के बाद शुरू होने वाले शक्ति पर्व नवरात्र में मंदिरों में किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए और उन्हें देवस्थान आने जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर उन्होंने सीएस वीरा राणा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन को निर्देश दिलाए हैं। उन्होंने कहा कि श्राद्ध पक्ष के खत्म होने के साथ ही नवरात्र शुरू होंगे। हमेशा की तरह हम धूमधाम से नवरात्र पर्व मनाएंगे और दशहरा भी धूमधाम से मनेगा। इसलिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विदेव स्थानों पर आने वालों को पूरी सुविधाएं मिले, इसका ध्यान रखा जाए। आने में ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। दशहरे की आगमन की भी हमको खुशी है। श्राद्ध पक्ष जैसे ही जाएगा 3 तारीख के आसपास से हमारे नवरात्रि के पर्व चालू होंगे। ऐसे में इस वर्ष का दशहरा और आनंद से मनेगा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार और हमारी सरकार के माध्यम से चलने वाले कामों को लेकर के हम धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इन त्योहारों के मनाने में जो मूल हमारी भावना है, देवी शक्ति माँ हमको आशीर्वाद दे ताकि हम सत्कर्म कर सकें, अच्छे मार्ग पर चल सकें। लेकिन इन देवी लोकों में भी निर्माण के विविध पक्ष सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने निर्देश जारी किए कि जो जो हमारे पूर्व से निर्धारित निर्माण कार्यों की प्लानिंग बनी है, जिस पे काम हो रहे हैं, उन कामों की प्रॉपर गुणवत्ता के साथ उनकी व्यवस्था देखी जाए। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधा मिले, उनको कम से कम कष्टों और जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है हर एक स्थान का, जैसे मैहर की माता जी का, हमारा कटनी का, इसी प्रकार से दतिया हमारे नलखेड़ा बगलाखी उज्जैन हर सिद्धि माता, सारे स्थान पर जहाँ जाए, जो चिकनपुर की माता जो विदिशा जिले में आती है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर यथा योग्य प्रकार के प्रबंधन करके इस बार का नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाए, ये मैं प्रबंधन कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ। मेरे अपने पुरानी प्राचीन पहचान के आधार पर न केवल आनंद से सारे आयोजन पूरे करेगा बल्कि शांति सद्भाव के साथ भी हम प्रशासन दक्षता से काम करेगा। मेरी अपनी ओर से आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व की बधाई।